नमस्कार जी, हरियाणा न्यूज 24 का आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी लांबा साहब। उमेश जी, बहुत भव्य रैली का आयोजन हो रहा है चरखी दादरी में कल, तो कुछ क्या रूपरेखा तैयार की है, कितने लोग वहाँ जनता जनार्दन आपके चाहने वाले पहुँच रहे हैं और कौन कौन बड़े चेहरे होंगे रैली में, इसके लिए क्या तैयारियाँ की है रैली के लिए आपने? देखिए, माननीय श्री मनोहर लाल जी रैली में आ रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, सांसद चौधरी धर्मवीर जी होंगे, उसके अलावा सतपाल सांगवान जी हैं, मैं हूँ और जनता, तो आप वहाँ कल आके देखें तो ज्यादा बेटर होगा, पहले बोलना अच्छा नहीं है, जो आपकी उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा पब्लिक वहाँ इकट्ठी मिलेगी जी। तो इसे हम पहले जो बीजेपी की रैलियां हैं लगभग देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ा है, लोग कम पहुंच रहे रैलियों में, तो आपकी ये रैली दादरी में जितनी रैली आपने की है इससे ये सब से रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी जी। और कोई लोगों में गुस्सा नहीं है, कोई रोष नहीं है, पर्टिकुलर कुछ लोग होते ही हैं, वो तो जहाँ पार्टियों की बात आती है कुछ पक्ष में होते हैं कुछ विपक्ष में होते हैं, पर बहुत ज्यादा लोग फेवर में जी। तो इस रैली के लिए उमेश जी आप कितने गांव में लगभग जनसंपर्क अभियान कर चुके हैं आपके हल्के में दादरी में? मैं अभी भी गांव में ही चल रहा हूँ, हम लगभग कोशिश कर रहे हैं हर गांव से आदमी पहुंचे बाढ़ डाल के से दादरी हल्के से जी जी जी। तो रैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, कुछ अपने सरकार के नीतियों के अलावा या कुछ आने वाले संकल्प रैली है अपने सरकार के बाकी है विधायी चुनाव के बाद जी जी? तो देखिए लामा साहब, वो कल आप आके देखना, हमारा मेन क्या है ना, ये विजय संकल्प रैली है और ये रिकॉर्ड कॉल रैली होगी। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कितने बजे लोग पूछे, पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक जाम ना हो, रोड जाम ना हो, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कई कांग्रेस के नेता रोड शो कर रहे हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस फंसी पड़ी है, स्कूल की बसें पड़ी हुई हैं, हरियाणा रोड पे बड़ी बड़ी लाइन ट्रकों की लगी हुई है जो लंबे खाद्य सामग्री लेके निकल रहे हैं, यानी कि तीन तीन घंटे से जाम में फंसे पड़े हैं, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जनता जाए भाड़ में, उनको कोई किसी जरूरत नहीं है किसी से। मैंने आपको कहा अक्सर, आपने कई रैलियां हमारी देखी हैं, हमारी रैली बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है और हर चीज का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो चाहे पानी से संबंधित हो जी। तो कितने से कितने बजे तक रैली आपकी, सुबह कितने बजे लोगों को क्या कहना चाहिए जी, सुबह कितने बजे? बस जी सुबह 10 बजे लोग पहुंच जाएं, 11 बजे माननीय मनोहर लाल जी आ जाएंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने वाली है जी, इसलिए थोड़ा सा समय पे लोग पहुंचे जी। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ उमेश पातुबास बने हुए थे खास बातचीत में, और विजय संकल्प रैली कल चरखी दादरी में भव्य तरीके से होने जा रही है, उन्होंने और कहा कि बहुत ही बड़ी रैली होगी, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है, और उमेश पातुबास ने साफ शब्दों में कहा है कि हम हर घर तक गए हैं, हर आदमी तक पहुंचे हैं और काफी संख्या वहां देखने को मिलेगी और सारी व्यवस्था कर ली गई है, ना कोई जाम की स्थिति रहेगी, ना कहीं पानी की समस्या रहेगी पीने की लोगों की, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो कल 10 बजे चरखी दादरी में भव्य रैली होने जा रही है, अब देखना होगा कितनी बड़ी रैली हो पाती है, कितनी संख्या पहुंचेगी, सतपाल सांगवान भी वहां पे साथ रहेंगे मंच पे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चरखी दादरी पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।